statistics. अब स्टैटिस्टिक्स को किसे कहते हैं और ये मैथमेटिक्स के किस ब्रांच को डील करता है, ये देखने के लिए हमें पहले एक चीज का पता होना चाहिए कि जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, कहां की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आसान गड़ अनऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड मतलब गो, ये इंफॉर्मेशन पहले तरीके में नहीं लिखी हुई होती है, ये छन आसान ऑर्गेनाइज्ड किए। फॉर एग्जांपल आप घर घर जाओगे, इस करो सेंसस तैयार, हम घर घर जाएंगे, इस गसो घर घर, और घर घर जाने पर हम सबसे मालूम करेंगे कि आपके घर में कितने आदमी है, आप कितने मेल हो, कितने फीमेल हो, कितना कितनों ने आप में से पढ़ा है, कितने अनपढ़ है, आपके घर में कौन कौन सी फैसिलिटी है, ये सारी इंफॉर्मेशन करो, ये सारी गैदर हर एक घर, हर घर वाला हमें अपनी इंफॉर्मेशन दे देगा। इसके बाद ये इंफॉर्मेशन, ये करेस कलेक्ट गॉट इंफॉर्मेशन, उसके बाद इस इंफॉर्मेशन को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, एक इंफॉर्मेशन इस करा ऑर्गेनाइज, इसके बाद फिर इस इंफॉर्मेशन को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी ये इंफॉर्मेशन इस बात तरतीब सान था, यानी कैसे, फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल ले ली इस वक्त सेंसस की, तो मान लो बुगोस हतन गारन मस, तो ब्लैक पैक करें तो हाउ हंड्रेड हाउस होल्ड्स, बासा गोस हतन हाउस होल्डर मस, बट आठ हसा द्राई में 40 या 400 मेल, तो 350 हसा द्राई में फीमेल, आठ मसा द्राई में 250 लिटरेट और बाकी मुझे इलिटरेट मिले, ठीक है, आज सदराय में 50 हाउसहोल्ड्स तिम यम फैसिलिटेटेड छ, तो 50 हाउसहोल्ड्स सदराय तिम यम नॉन फैसिलिटेटेड छ, यानी ये मन फैसिलिटीज छ गारस मस की, पहले ये इंफॉर्मेशन थी, लेकिन जब मैंने इस इंफॉर्मेशन को इस तरह से लिखा तो ये बने ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन, ये फैक्ट अब ऑर्गेनाइज्ड बन गया और इसको हम कहते हैं डाटा, निश इंफॉर्मेशन उसको हम इंफॉर्मेशन भी कहते हैं और डाटा भी कहते हैं, यानी कि अच्छे दो तरीकों से ये रिप्रेजेंट करा, मैथ में इंफॉर्मेशन को डाटा कहते हैं या कंप्यूटर में अगर इंफॉर्मेशन आए तक वन डाटा, तो ये जो हमारे पास डाटा होता है ये आसान गड़ अनऑर्गेनाइज्ड और फिर इसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, पचीस अर्थ डाटा करान ऑर्गेनाइज और इसको ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, फिर इसको अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से अनऑर्गेनाइज्ड डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है, तो वन थ्री मैथमेटिक्स समझता है डाटा शुवान और उसको आप ऑर्गेनाइज करते हो, पचुती ता डाटा करा थोड़ा ऑर्गेनाइज, इसको आप ऑर्गेनाइज करने के लिए डाल देते हो, तो इंफॉर्मेशन यवान और इस इंफॉर्मेशन को अब आप ऑर्गेनाइज करते हो, ठीक है, अब ऑर्गेनाइज दो तरीकों से किया जा सकता है डाटा, आपको न्यूमेरिकली करो, ब्लॉक डाटा शो ऑर्गेनाइज करने ग्राफिकली, ठीक है, यानी दो तरीके हैं, ऑक्स डाटा
इज वर्ड इंफॉर्मेशन, हमारे पास एक रॉ इंफॉर्मेशन होती है, डाटा होता है, उसके बाद हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, अर्थात न्यूमेरिकली तो ग्राफिकली दो तरीकों से इसको ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, न्यूमेरिकली तह को ऑर्गेनाइज करें, ग्राफिकली तह को ऑर्गेनाइज करें, और इसी चीज को न्यूमेरिकली और ग्राफिकली एक डाटा को ऑर्गेनाइज करने को इसी सब्जेक्ट का नाम है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये आपके लिए अभी नया नहीं है, नव छूता है खतरी नो, लेकिन ये काम ऑलरेडी आपने एट्थ में किया है, तो ऑलरेडी एट्थस में आई एम बेसिक डाटा न्यूमेरिकली तो ग्राफिकली तो ऑर्गेनाइज करूंगा, ये तो डाटा हैंडलिंग पढ़ो, उस वक्त इस चैप्टर का नाम डाटा हैंडलिंग था, एट्थस में जो साइंस पढ़ो डाटा हैंडलिंग, तो उसी चैप्टर का नाम यहां पर आकर स्टैटिस्टिक्स बन गया, याद बनो ये स्टैटिस्टिक्स नाम, और काम यही है हमारे, हमें हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी और उस इंफॉर्मेशन को हमें ऑर्गेनाइज करना है या तो न्यूमेरिकली या तो ग्राफिकली। वन असनिश आसन दोनों चीज, हमारी कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी होंगी जिनमें हम न्यूमेरिकली अपने इंफॉर्मेशन अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, और कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी होंगी जिनको हम ग्राफिकली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ये मैंने ऑर्गेनाइज आपको ग्राफिकली करे था। ठीक है, तो यह चैप्टर में किस तरह से इंफॉर्मेशन को न्यूमेरिकली भी ऑर्गेनाइज किया जा सकता है और ग्राफिकली भी ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। ठीक है, न्यूमेरिकली अगर बताए वनो न्यूमेरिकली वनो बता एक चीज पर दैट क्या कि तू क्रिकेट लवर्स, तो 0 to 10 hours तक मुझे 50 runs बन गए, टीम बने 5 runs, 10 to 20 hours तक टीम ने 60 runs बनाए, और 20 to 30 hours तक टीम ने 70 runs बनाए, तो टोटल 53 runs मस बनो ये मुकुल सारा ना पंचा पंचा के हाथ अखत वूत्र 130, ये को न्यूमेरिकली डाटा, न्यूमेरिकल डाटा। वाइन क्या जी वाइन अब क्या जी बनो इस ऑर्गेनाइज्ड डाटा, क्योंकि ये शो ऑर्गेनाइज्ड मे मा दिचो तुम इंफॉर्मेशन बाली पत बाली यथ बाल बस ये चारान यथ बाल ये चारान यथ बाल ये चारान मे दिचो तुम ऑर्गेनाइज कर पहले 10 ओवरों में 50 runs हो गए, फिर 10 to 20 ओवरों में 60 runs हो गए, और फिर 20 to 30 ओवरों में 70 runs हो गए, अथ कौर में न्यूमेरिकली ऑर्गेनाइज, ये डाटा कौर में न्यूमेरिकली ऑर्गेनाइज। अब इसी डाटा को आप ग्राफिकली भी देख सकते हो, अगर तय आशु क्रिकेट मैच उछमुत तो क्रिकेट मैच में कभी इस तरह से डाटा दिखाया जाता है, यू भाई डाटा यू भाई रन नहीं हूं डाटा द वू थ्रू इत पर आसान तथा पेट हेवित के गड दहन दहन ओवरन ताम सच गम दह गिक दहन ओवरन हा गई 5 runs, तो तुम त्रावान तथन डॉट अक पे वन तथा पत्न वुहन पे दह टू वु गेट तो डॉट थोड़ा हर इत प। ठीक है, पे इथे पे वु टू तरह ब्या डॉट इत पे इत प कर्मुत जॉन या इत प तम रन पे ठुपल बन ठुपल मतलब गो कवरस पे पेमुत विकेट। ठीक है, तो ये आपको दिखाया जाता है दोनों तरीकों से, आपको न्यूमेरिकली भी डाटा को दिखाया जाता है और आपको ग्राफिकली भी डाटा को दिखाया जाता है। ये कारण स्टैटिस्टिक्स में यही काम, हम यहाँ पर यही सीखेंगे किस तरह से एक रॉ डाटा को ऑर्गेनाइज करके एक न्यूमेरिकली ऑर्गेनाइज करके दिखाया जा सकता है, कितने हमको इस न्यूमेरिकली डाटा को ऑर्गेनाइज कर और किस तरह से हम ग्राफिकली डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ये छो सुवन ऑब्जेक्टिव। तो इस चैप्टर का हमारा जो मेन मोटो होगा वो ये होगा कि हम सीखें कि किस तरह से एक रॉ इंफॉर्मेशन यानी डाटा को किस तरह से एक ऑर्गेनाइज्ड डाटा में तब्दील किया जाता है बाय टू मेथड्स, न्यूमेरिकली एज वेल एज ग्राफिकली, दोनों ही चॉइस, पहले न्यूमेरिकली सीखा जाएगा उसके बाद हम ग्राफिकली सीखेंगे। इससे पहले कि हम मेथड्स के बारे में बात करें, उससे पहले मैं आपको पहले एक बात बोलूंगा,
जो हमारे पास डाटा होता है ये दो किस्मों का होता है, यानी कि इन्फॉर्मेशन वो ऑर्गेनाइज करने का तरीका वो आपके पास दो है, न्यूमेरिकल तो ग्राफिकल। लेकिन और डाटा छू कलेक्ट करा वो डाटा जो होता है या वो इंफॉर्मेशन जो होती है वो भी दो किस्म की होती है। अच्छा प्राइमरी एक होती है प्राइमरी आगे प्राइमरी इंफॉर्मेशन या प्राइमरी डाटा या फनाज ये क्या को प्राइमरी डाटा या प्राइमरी इंफॉर्मेशन। प्राइमरी डाटा या प्राइमरी इंफॉर्मेशन ऐसी इंफॉर्मेशन को कहते हैं जो आप डायरेक्टली कलेक्ट करते हो। ठीक है, यानी कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप डायरेक्टली खुद जाओगे और उसको कलेक्ट करोगे ऐसी इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं प्राइमरी डाटा। अच्छे सुना आर डाटा स्टैंड इज प्राइमरी डाटा, ऐसा डाटा जो डायरेक्टली कलेक्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल होता है आख क्यों बता पोता है मुझे बताओ कि आपकी स्कूल में कितने रूम्स है, नंबर ऑफ रूम्स इन योर स्कूल। मतलब होता है ये डाटा मुझे बना के दे दो कि आपके स्कूल में कितने रूम्स है, नंबर ऑफ रूम्स इन योर स्कूल। तो ये है क्योंकि पाने के लिए या खुद कर सकते हो ये डाटा कलेक्ट करने खतर पे उनते गूगल करूं जज क्या पे कमिश्नर्स ऑफिस म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन गए ये डाटा कलेक्ट करने खतर कि नंबर ऑफ रूम्स इन योर स्कूल कूता। ठीक है, याद आपको बताइए हाउ मेनी या मैं आपको ये बोल सकता हूं नंबर ऑफ मिल्कमेड्स या मिल्कमैन इन योर एरिया बता पोता या मैं बनियो सा नंबर ऑफ मिल्कमैन इन योर एरिया तुंदिस एरियास मस तुंदिस पर्टिकुलर तुंसी एरियास मस बुसों ते वना सार नी हुं के सिर्फ पर्टिकुलर तुंदिस एरियास मस कत्या गूर छ कितने दूध वाले हैं। ये डाटा भी आप खुद ही कलेक्ट कर सकते हो। ये प्रश्न खतर ते पेवन ताई गछन एसएमसी के कि मैं अश्विनी सा सेंस एरियास मस कत्या गूर छ ये भी आप आराम से निकाल सकते हो। बता पोते आप मुझे बताओ आपकी लेन में कितने तुंदिस पर्टिकुलर लेन मज जिस लेन में आप हो कितने प्रोविजनल स्टोर्स है कत्या दुकानदार छो तम तह किरियान कनान छो कितने दुकान है दुकानदार है आपके इस लेन में। इसके लिए भी आपको डाटा कलेक्ट करने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना है। ये डाटा तुम कलेक्ट कर आसानी सान असल पे आपको कुछ नहीं करना है आपको खाली अपनी लेन में जाना है इसको देखना है कॉपी कड़ी सत लखन अर तो यहाँ पत दुकानदार तथ लेन में आसो तुम वनो मैं क्या हमारे एरिया में हमारी लेन में इतने दुकानदार है। ठीक है, तो ये डाटा कलेक्ट कर सहल ये आप खुद भी कर सकते हो या आप डायरेक्टली खुद ही कर सकते हो। ठीक है, तो आखिरी डाटा है वन प्राइमरी डाटा, ऐसे डाटा को प्राइमरी डाटा कहा जाता है। ठीक है, आ समझ ऐसा डाटा जो आप खुद ही कलेक्ट कर सकते हो यस इंफॉर्मेशन तुम पाने कलेक्ट ही क्यों कर ऐसे डाटा को हम कहते हैं प्राइमरी डाटा। इथिस डाटा से सुना प्राइमरी डाटा और अगर ऐसा ना हुआ अगर तुम वन युद्ध डाटा हो जिस तुम पाने कलेक्ट ही क्यों कर कहीं फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं एक एग्जाम्पल दूंगा यस तुम पाने ही क्यों कर बता पोता है फॉर एग्जाम्पल मैं दिपू सा नंबर ऑफ स्कूल्स इन कश्मीर वैली मैं वही सा नंबर ऑफ स्कूल्स इन कश्मीर वैली मैं आपको बोलूंगा मुझे डाटा दे दो कि नंबर ऑफ स्कूल्स इन कश्मीर वैली कितने हैं। ये देखो तो अरे इसके लिए हम कहाँ जाएंगे वैली पूरी वैली को कहाँ घूमेंगे हम अगर ये होता हमारे एरिया में
कितने स्कूल है, तो ये हम बोल देते हैं, लेकिन ये कैसे बोल देंगे कि नंबर ऑफ स्कूल इन कश्मीर वैली, ये किस पॉइंट मानो कि अस सानी वैली मस कुछ स्कूल छ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो बेवक्ता गसुन आप खतर या डायरेक्टली नहीं कलेक्ट कर सकते हो, इस डाटा के लिए आपको जाना पड़ेगा एसएमसी के पास, श्रीनगर म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन के पास। यह बनता है कि नंबर ऑफ स्कूल्स इन कश्मीर वैली कूता छ, या अगर न एसएमसी ये हे तुम कर जेके बोस के रिकॉर्ड मज जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से आप पता करवा सकते हो कि नंबर ऑफ स्कूल्स इन कश्मीर वैली कितना है। तो ये काम है क्यों पान कर, तो ऐसा काम जो आप खुद नहीं कर सकते बल्कि आपको इनडायरेक्टली किसी और सोर्स से लाना पड़ेगा। ये गच्छे इनडायरेक्टली लाओगे आप मेरे पास, आप ही मे वनु तु डाटा, मगर सो डाटा अनु नु तु पान कह बल्कि वो इनडायरेक्टली मुझ तक आएगा, यानी सो डाटा अनु तु मे तान इनडायरेक्टली, वो डाटा मुझ तक इनडायरेक्टली पहुंचेगा, डायरेक्टली नहीं। यानी कि तुम करो गोड पान कंसल्ट बदल का सोर्स, आप किसी और को पूछोगे, उसके बाद आप मुझे बोलोगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ स्कूल्स इतने हैं। याद आपको बताइए है नंबर ऑफ मिल्कमैन इन योर एरिया बदल नंबर ऑफ मिल्कमैन इन कश्मीर वैली। अब नंबर ऑफ मिल्कमैन इन कश्मीर वैली कितने में, वो मुझे फूड डिपार्टमेंट से निकालना पड़ेगा। यम राशन कार्ड से दिवान राशन कार्ड वाली छ दिवान तिमन अलग राशन कार्ड यम मिल्कमैन छसान, क्या कि तिमन छसान जरूरतन तील ज्यादा नॉर्मल फैमिली खत, तो उनको अलग राशन कार्ड होता है, उनका राशन कार्ड डिफरेंट होता है। तो बे गस तोर एफसीआई के डिपार्टमेंट्स मस बदा तिमन मे वनु सा यम राशन कार्ड यम मिल्कमैन राशन कार्ड छ तिम कतन छ, उससे मुझे पता चल जाएगा कि हमारे एरिया में जो मिल्कमैन है वो कितने हैं और कहां कहां पर है, कत कत्या कत्या छ। ये डाटा मेरे पास पहुंचेगा, मगर कित पट ये डाटा इस कलेक्ट पाने, ये किसी और सोर्स से हमें हमारे पास ये डाटा आ जाएगा। तो ऐसे डाटा को हम कहते हैं सेकेंडरी डाटा। ठीक है, यानी पहला डाटा होता है कौन डाटा, गुक डाटा को यूस डायरेक्टली पान करो कलेक्ट, और आप इसको खुद ही कलेक्शन पे डाल सकते हो, तो ये क्यों पाने कलेक्ट कर तो ये क्यों पाने ऑर्गेनाइज कर, इसको हम प्राइमरी डाटा कहेंगे। ऐसा डाटा जो आप खुद कलेक्ट नहीं कर सकते, ऑर्गेनाइज खुद कर सकते हो लेकिन डायरेक्ट कलेक्ट नहीं कर सकते, ऐसे डाटा को हम कहते हैं सेकेंडरी डाटा। ठीक है, ये डाटा से बना सेकेंडरी डाटा जो हम खुद कलेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर, अब जो आपकी पहली एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन है कि तुम करो सा तुम लिखो सा एग्जांपल्स, पांच एग्जांपल्स डॉट विच इंफॉर्मेशन हिंद पांच एग्जांपल्स जन चुहे नंबर ऑफ स्कूल्स इन कश्मीर वैली गई अख एग्जांपल, नंबर ऑफ रूम्स इन योर स्कूल गई ज एग्जांपल, नंबर ऑफ मिल्कमैन इन योर एरिया गई त्रे एग्जांपल, नंबर ऑफ मिल्कमैन इन कश्मीर वैली गई चोर एग्जांपल, इथे पठ नंबर ऑफ बुकशॉप्स इन आवर लोकेलिटी गई पांच एग्जांपल। गोडनिक क्वेश्चन छु तुम ये कि पांच एग्जांपल्स बताइए किसी भी डाटा के कुंती इन्फो यथ मज डाटा हेको बन यथ डाटा हेको बन इंफॉर्मेशन हेको बन जिसको ऑर्गेनाइज हम कर सकते हैं, ऐसे डाटा की पांच एग्जांपल्स दीजिए, तो दमो पांच एग्जांपल। पुस दम क्वेश्चन सह वन कि हा तुम एग्जांपल पैन इस्तेमाल करव पांच एग्जांपल तुम पैन दिव तम पांचन एग्जांपलन मज वो सा प्राइमरी डाटा कुछ तो सेकेंडरी डाटा कुछ। अब प्राइमरी डाटा डेफिनेटली वही डाटा होगा जो आप खुद कर सकते हो, सेकेंडरी डाटा वही डाटा होगा जो आप खुद नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये काम आप आसानी खुद कर सकते हो, कारण छुन कहीं बस युत कारण कि आपको पांच एग्जांपल्स लिखनी है डाटा की, आपको पांच एग्जांपल्स पकड़नी है तो पांच एग्जांपल्स रटने डाटच या तुम ऑर्गेनाइज हूँ कर कुछ भी पांच एग्जांपल ले लो, नंबर ऑफ लैंप्स इन आवर रूम ये डाटा, नंबर ऑफ लैंप्स इन आवर हाउस ये बन डाटा, इसको भी ऑर्गेनाइज किया जा सकता है कि यथ रूमस मीत्या यथ रूमस मीत्या यथ रूमस मीत्या, किसी भी डाटा को आप ऑर्गेनाइज करोगे तो उस ऑर्गेनाइज्ड डाटा को
जो आप मगर खुद डाटा कलेक्ट करोगे, ऐसे डाटा को प्राइमरी डाटा कहते हैं, ठीक है। सेकेंडरी को सु डाटा युस्मती पान एन यू किहिन। तो क्वेश्चन नंबर टू पर सुई कि जो आपने एग्जांपल्स ऊपर दी है उनमें से प्राइमरी को अलग और सेकेंडरी को